मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन मल्टीपल एक्सेस से मतलब क्या है, या डेटा लिंक लेयर में ये कैसे काम करते हैं, ये वाली चीज अपन देखेंगे। मल्टीपल एक्सेस का मतलब होता है एक साथ कई जगह से एक्सेस हो रहा है, तो उस स्थिति में काम कैसे होगा। आप भी फोन करते हो, कोई और भी फोन कर रहा है, सब जने एक साथ फोन कैसे कर पा रहे हैं, समझ में ही बात। तो मल्टीपल एक्सेस हो रहा है ना भाई, आप भी फोन कर रहे हो, मैं भी फोन कर रहा हूं, दोनों का फोन सही जगह पे लग रहा है। दो बीएसएनएल वाले आपस में बात कर रहे हैं, या दो वोडाफोन वाले आपस में बात कर रहे हैं, या वोडाफोन एयरटेल पे बात कर रहा है, या कोई भी बात कर रहा है, तो आपस में इनमें मल्टीपल एक्सेस हो रहा है। तो वो मल्टीपल एक्सेस किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे अपन। सबसे पहले डेटा लिंक लेयर के बारे में देखते हैं। डेटा लिंक लेयर के बारे में अपन जानते हैं कि डेटा लिंक लेयर दो भागों में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरी है मैक लेयर। मैक लेयर मल्टीपल एक्सेस रिजोल्यूशन का काम करती है, और लॉजिकल लिंक लेयर डेटा लिंक को कंट्रोल करने का काम करती है। लॉजिकल लिंक लेयर का काम क्या है? डेटा लिंक को कंट्रोल करना, और मैक लेयर का काम है मल्टीपल एक्सेस जो होता है उसको रिजोल्व करना। तो मेन जो इंपॉर्टेंट काम मैक लेयर का रहेगा मल्टीपल एक्सेस रिजोल्यूशन के अंदर, किसका किसका काम ज्यादा रहेगा? मैक लेयर का। अब मैक लेयर के बारे में देखते हैं। मैक लेयर जब नोड्स और स्टेशंस कनेक्टेड होते हैं तथा कॉमन लिंक का यूज करते हैं, एक कॉमन लिंक है जो यूज किया जा रहा है, एक कॉमन माध्यम है जिसके माध्यम से आपका डेटा जा रहा है, तो इन लिंक्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होती है। अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जैसे चैनल तो आपका एक ही है, एक ही चैनल से बात कर रहे हो, लेकिन सब जने अलग अलग बात कर पा रहे हो, मल्टीपल एक्सेस हो पा रहा है। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स या नियम काम में लिए जाते हैं वो नियम क्या कहलाएंगे? मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स कहलाएंगे। प्रोटोकॉल का मतलब नियम होता है, ये पता है ना सबको, ठीक है। अब मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स जो हैं कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन इन मेजर तीन प्रकार पे अगर अपन जाएं तो मेजर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स को। फर्स्ट है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, सेकंड है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, और थर्ड है चैनलाइजेशन एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें सारे अपने सिलेबस में नहीं है, अपने को केवल टोकन पासिंग मेथड FDMA, TDMA और CDMA की स्टडी करनी है, जिसमें से टोकन पासिंग मेथड अपन देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, टोकन पासिंग मेथड हो चुका है। अब चैनलाइजेशन एक्सेस मेथड प्रोटोकॉल्स जो हैं उनके बारे में अपने को स्टडी करना है कि चैनलाइजेशन में इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो चैनलाइजेशन एक्सेस मेथड जो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो होते हैं FDMA, TDMA और CDMA। FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। FDMA, TDMA और CDMA, अगर इनमें ग्राफ बनाया जाए फ्रीक्वेंसी टाइम और कोड के बीच में, तो इनका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है। FDMA का ग्राफ ऐसा बनेगा, इसमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हो आप, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। FDMA टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है, मतलब आप अलग फ्रीक्वेंसी को काम में लोगे, आप अलग फ्रीक्वेंसी को काम में लोगे, आप अलग फ्रीक्वेंसी को काम में ले रहे हो। जैसे फोन जा रहा है ना, 10 फोन जा रहे हैं, तो दसों कॉल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो वो कहलाएगी FDMA टेक्नोलॉजी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगर मैं FDMA अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं करूं, मैं टाइम डिवीजन कर दूं, टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर दूं कि ये आपका टाइम स्लॉट है, 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 फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी काम में लूं, सेम कोडिंग काम में लूं, और टाइम को डिवाइड कर दूं, टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर दूं, तो और टाइम स्लॉट्स के हिसाब से अगर मैं एक्सेस करता हूं तो मल्टीपल एक्सेस को रिजोल्व करता हूं, तो वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या कहलाती है? टाइम डिवीजन। देखो, टाइम वाली साइड में जो लाइन जा रही है उसको आपने ब्रेकअप किया, टाइम वाली साइड में स्लाइसेस बनाई ना आपने, इसमें फ्रीक्वेंसी वाली साइड में स्लाइसेस बनाई, ठीक है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी भी सेम रखूं और टाइम भी
वही वाला काम में लें, सेम टाइम पे सेम फ्रिक्वेंसी वाली, अगर मेरे को डेटा भेजना है, कॉल करनी है ना, कम्युनिकेशन करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि कोड अलग अलग कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ कोड अलग अलग। तो अब इस वाले में देखो टाइम और फ्रिक्वेंसी तो सेम है, अब आपने इसको किस तरीके से ब्रेकअप किया है, कोड वाले थर्ड डायमेंशन में आपने इसके कोड चेंज कर दिए। कोड वाली डायमेंशन में आपने इसको थर्ड वाले में सीडीएमए में क्या किया, आपने कोड को डिवाइड कर दिया। तो आपकी फ्रीक्वेंसी और टाइम तो सेम रहेगा लेकिन कोड अलग है, आपकी फ्रीक्वेंसी और टाइम अलग है लेकिन कोड अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी और टाइम सेम है लेकिन कोड अलग है। समझ में आ गई बात? तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कहलाती है, सीडीएमए टेक्नोलॉजी। चलो चैनलाइजेशन अब एक एक करके देखते हैं अपन, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से काम में ली जाती है। चैनलाइजेशन से मतलब हमारा क्या है, चैनलाइजेशन एक मल्टीपल एक्सेस मेथड है। मल्टीपल एक्सेस मेथड का मतलब जिससे कई जने एक साथ एक्सेस कर सके, मल्टीपल एक्सेस करें, जिसमें लिंक की उपलब्ध बैंडविड्थ जो है उसको अलग अलग नोड्स के बीच में टाइम, फ्रिक्वेंसी और कोड के रूप में शेयर करते हैं। या तो टाइम के रूप में करोगे, या फ्रीक्वेंसी के रूप में शेयर करोगे, या कोड के रूप में शेयर करोगे। तो आप कैसे शेयर करते हो, इसमें तीनों चीजें यूज की होती है, टाइम भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होता है, कोड भी होता है। अब इसमें कुछ चीजें सेम होगी और कुछ चीजें अलग होगी, पर कुछ न कुछ चीज अलग होनी चाहिए जिससे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये इस व्यक्ति का, ये इस पर्टिकुलर चीज के लिए है और ये इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ताकि वो अलग अलग हो जाए डेटा। अब FDMA की बात करें, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसमें लिंक की उपलब्ध बैंडविड्थ को क्या करते हो, विभिन्न नोड्स के बीच में फ्रीक्वेंसी बैंड्स के रूप में डिवाइड कर देते हो कि इतनी फ्रीक्वेंसी से इतनी फ्रीक्वेंसी के बीच वाला बैंड आपने एक पर्टिकुलर के सिग्नल के लिए दे दिया, दूसरा वाला बैंड किसी और के लिए दे दिया, उसके बाद में तीसरा वाला बैंड किसी और को दे दिया। आपने देखा होगा ना कि स्पेक्ट्रम को डिवाइड दे दिया जाता है अलग अलग कंपनियों को, आपको यहाँ से यहाँ तक का स्पेक्ट्रम आपको दे दिया। अभी स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ उसके बारे में भी सबको पता होगा, है ना, तो उसमें स्पेक्ट्रम सबको डिवाइड कर दिया जाता है, स्पेक्ट्रम ये बैंडविड्थ का बंटवारा जब हुआ था ना कि यहाँ इतनी बैंडविड्थ इस कंपनी को दी जा रही है, इतनी बैंडविड्थ इसको दी जा रही है, तो अब वो उस बैंडविड्थ से अपना चैनल काम में लेगा ना, अपनी चैनलाइजेशन उस बैंडविड्थ को यूज करेगा और अपने जो सिग्नल भेजेगा उस सिग्नल वो जो बैंडविड्थ जो है उसी के बीच की भेजता है। तो अब वो टेक्नोलॉजी कौन सी काम में ले रहा है, अगर FDMA काम में ले रहा है इसका मतलब वो है, वो फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग भेज रहा है, अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखेगा, फ्रीक्वेंसी को अलग अलग रखेगा। तो डिवाइड किसको कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी बैंड्स के रूप में डिवाइड किया जाता है। तो वो टेक्निक क्या कहलाएगी, FDMA। इसमें प्रत्येक स्टेशन को डेटा भेजने के लिए एक बैंड अलोकेट किया जाता है कि ये वाला बैंड आपका है, ये वाला बैंड आपका है, और प्रत्येक बैंड हमेशा एक स्टेशन के लिए रिजर्व हो गया। आपको ये बैंड मिल गया मतलब ये वाला बैंड आपके लिए है। प्रत्येक स्टेशन की ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी सीमित करने के लिए एक बैंड पास फिल्टर का भी यूज किया जाता है, जिससे कि मिक्सअप नहीं हो। एक बैंड पास फिल्टर का यूज करेंगे जिससे कि फ्रीक्वेंसी को के अंदर फिल्टरिंग सही तरीके से हो पाए, उसके अंदर कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में किसी भी तरह का हस्तक्षेप से बचने के लिए अलोकेटेड बैंड्स के बीच में एक गार्ड बैंड लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है, गार्ड बैंड, दो जनों के बीच में। जैसे एक एग्जांपल के लिए, एक से दस के बीच में आपकी है, तो मैं दस से बारह वाला जो है एक छोटा सा बैंड मैंने छोटा सा अलग निकाल दिया कि ओवरलैप नहीं हो जाए आपकी फ्रिक्वेंसी कहीं दोनों की, 12 से फिर मैंने 22 बना दिया, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक छोटा सा बैंड बना दिया जिससे कि दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो। जैसे ये देखो, यहाँ पे कॉल 1 है, कॉल 2, कॉल 3 और कॉल 4, चार कॉल्स हैं इसमें, ये तो बैंड हो गया, ये बैंड है रेड कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, इन चारों कलर्स में अलग अलग बैंड्स हैं, और ये बीच में जो गैप रखा हुआ है वो गार्ड बैंड है, ताकि एक कॉल दूसरे कॉल में मिक्स नहीं हो जाए, एक कॉल दूसरे कॉल में मिक्स नहीं हो जाए, इसलिए छोटा सा एक बैंड छोड़ दिया जाता है। उस बैंड को क्या कहते हैं,
उस वो जो गैप रखा आपने वो क्या कहलाएगा? गार्ड बैंड। सुरक्षा के लिए हो गया ना कि आपके कॉल के अंदर, भाई ऐसा नहीं हो कि मैं बात कर रहा हूँ बीच में किसी और के पास दोनों की दो दो, दो बातें एक साथ जा रही है, गड़बड़ हो जाएगी ना उसमें। नेक्स्ट है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें क्या करते हैं, टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स, कि इस टाइम स्लॉट में ये वाला जो व्यक्ति है इसका डेटा भेजा जाएगा, या ये वाला कॉल किया जाएगा, इस वाले में ये वाला कॉल, इस वाले में ये वाला कॉल। इसमें चैनल की बैंडविड्थ को विभिन्न नोड्स के बीच में टाइम स्लॉट्स के रूप में शेयर किया जाता है। किस रूप में? टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर दिए और उन टाइम स्लॉट्स के अंदर शेयर कर रहा है। एक टाइम स्लॉट पर एक नोड, दूसरे टाइम स्लॉट पर दूसरा, और तीसरे टाइम स्लॉट पर तीसरा। समझ में आ गई बात? तो टाइम स्लॉट डिवीजन हो गया। ये टेक्निक कहलाती है TDMA। TDMA बैंडविड्थ एक चैनल के रूप में ही रहता है, बैंडविड्थ सेम है, सेम बैंडविड्थ सब जने यूज कर रहे हैं पूरा का पूरा, पर टाइम स्लॉट अलग अलग है। समझ में आई? सबकी बैंडविड्थ सेम है, बैंड जो काम में ले रहे हो बैंडविड्थ वो पूरी सबके लिए सेम है, चेंज क्या है? टाइम स्लॉट्स का। वो टाइम स्लॉट इतना छोटा होता है कि उसमें पता नहीं चलता है। TDMA में विभिन्न स्टेशन के बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है तालमेल। आप ऐसे समझ लो कि कुछ डेटा आपके पास में भी है और आपको यहाँ पे भी, आप इसको यहाँ पे भी रखना चाह रहे हो, तो दोनों जगह सेम डेटा होना चाहिए ना। तो अगर दोनों जगह पे सेम डेटा रहता है, मतलब यह है कि दोनों के बीच में तालमेल है। इसमें प्रत्येक स्टेशन को उसका प्रारंभिक टाइम स्लॉट और अंतिम टाइम स्लॉट की लोकेशन पता होनी जरूरी होती है, कि आपका कहां से डेटा शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है, उसका टाइम स्लॉट जो है वो आपको पता होना जरूरी होता है TDMA के अंदर। और इसमें डिले कम हो, देरी कम हो, इसके लिए डिले को कम करने के लिए गार्ड टाइम इंसर्ट किया जाता है। गार्ड टाइम सुरक्षा के लिए है। ये कोड फ्रीक्वेंसी और टाइम में आपने डिवीजन किया, तो स्लाइसेस किस डायरेक्शन में बनाई आपने? टाइम वाली डायरेक्शन में। देखो आप, ये टाइम, देखो टाइम की स्लाइस है, टाइम वाली जो स्लाइड है, टाइम वाली साइड में आपने स्लाइसिंग करी है ना, टाइम वाली डायरेक्शन में इनके टुकड़े करे हैं ना। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है आपकी CDMA टेक्नोलॉजी। CDMA में क्या चीज काम में ली जाती है? कोड, कोड को डिवाइड किया जाता है। CDMA में एक ही चैनल में सभी ट्रांसमिशन को एक साथ ले जाया जाता है, टाइम भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम, एक ही टाइम पे जाएंगे, एक ही पूरा सबको पूरा का पूरा बैंडविड्थ। इसमें लिंक की पूरी बैंडविड्थ एक ही चैनल काम में लेता है, जबकि FDMA में कई चैनल बैंडविड्थ को बांट देते हैं और सबको छोटी छोटी बैंडविड्थ ही मिलती है। CDMA में सभी स्टेशन एक साथ डेटा भेज सकते हैं, सब स्टेशन एक साथ डेटा भेज सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम शेयरिंग नहीं होती। टाइम शेयरिंग करना चाहो, टाइम शेयरिंग करोगे तो टाइम स्लॉट्स बनेंगे, और टाइम स्लॉट बनेंगे तो TDMA काम में आएगा। टाइम शेयरिंग करते हो, टाइम को शेयर कर रहे हो, इट मींस TDMA। CDMA अलग अलग कोड्स के द्वारा कम्युनिकेशन करता है। अब इसके में टेक्निक क्या काम में लेता? कोड काम में लेता। कोड कैसे काम में लेता है उसके लिए अपन थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि CDMA टेक्नोलॉजी में कैसे कोड के जरिए वो उसको ये पता चल जाता है कि ये किसका डेटा है, ये कैसे पता लगाता है, वो चीज़ देखनी है अपने को। जब आपकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो पता कैसे चलेगा हमें कि इसका डेटा है कि इसका डेटा, सब मिक्स हो जाएगा वो तो डेटा ऐसा। तो उसके लिए टेक्निक काम में लेता है। इसमें एग्जांपल के लिए अपन मान लेते हैं कि चार स्टेशन है अपने, जो 1, 2, 3, 4 एक ही चैनल से कनेक्टेड है, और तथा इनसे जाने वाला जो डेटा है वो D1, D2, D3 और D4 है। स्टेशन 1 से D1 है, 2 से D2 है, 3 से D3 और 4 से D4 डेटा जा रहा है, और इन स्टेशनों को क्रमशः चार कोड दे देते हैं, C1, C2, C3 और C4। क्या कोड दे दिया? कोड नंबर। हर स्टेशन को कोड नंबर दे दिया कि आपका C1 कोड है, C2 है, C3 है, C4 है, कोड नंबर असाइन कर दिया। अब इन कोड की एक विशेषता होती है, ये जो कोड दिए ना, इन कोड की एक विशेषता होती है, उनकी दो प्रॉपर्टी होती है, वो जरूर फुलफिल होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी ये है, यदि किसी कोड को अन्य कोड से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आना चाहिए। जैसे
स्टेशन वन का कोड को स्टेशन टू के कोड से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट जीरो आना चाहिए, समझ में आई बात। और अगर सेम कोड से मल्टीप्लाई करूं तो उसका रिजल्ट आना चाहिए चार। कितना आना चाहिए? चार आना चाहिए। अब कैसे होता है वो अभिभावन देखते हैं। अब देखो ये चार स्टेशन है, 1 2 3 4, D1, D2, D3 और D4 आपके डेटा है। D1 ने डेटा भेजा, D1 into C1, ये क्या करता है, डेटा जब भेजता है ना तो उसके कोड से मल्टीप्लाई करके डेटा को भेजता है। क्या करता है? कोड से मल्टीप्लाई करके डेटा को भेजता है। तो D1 into C1 भेजा इसने, D1 ने क्या भेजा? D1 into C1, D2 ने भेजा D2 into C2, D3 ने भेजा D3 into C3 और D4 ने भेजा D4 into C4 और ये प्लस होके यहां पे कॉमन चैनल में जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? कहां जा रहे हैं? कॉमन चैनल के ऊपर। सभी स्टेशंस अपने अपने डेटा को अपने कोड से मल्टीप्लाई करके चैनल में भेज देते हैं। चैनल में इन सब टर्म्स का सम डेटा के रूप में जाता है, सबका जोड़ डेटा के रूप में जा रहा है। अब जब भी कोई स्टेशन अन्य स्टेशन का डेटा चैनल से लेना चाहेगा, अब आपको डेटा लेना है तो रिसीव कैसे करोगे वो देखना, तो वह चैनल के डेटा को क्या करेगा? सेंडर स्टेशन के कोड से मल्टीप्लाई कर देगा। आपने डेटा भेजा ना तो सेंडर स्टेशन के कोड से मल्टीप्लाई कर देगा। चलो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। D1 into C1, D2 into C2, D3, ये आपका डेटा है, इसको C1 से, ये C1 रिसीव करना चाहता है, C1 को डेटा रिसीव करना है, तो C1 कौन सा वाला डेटा रिसीव कर पाएगा जिसमें C1 आ रहा होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। देखो D1 into C1 into C1, D2 into C2 into C1, D3 into C3 into C1 और D4 into C4 into C1 हो जाएगा। अब देखो अपने कोड की विशेषता रखी थी, सेम वाला होगा तो चार आएगा रिजल्ट, सेम होगा तो क्या रिजल्ट आना आएगा, मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? चार। और अगर अलग अलग है तो जीरो, तो अलग अलग वाले तो सारे जीरो हो गए। C2 C1 जीरो हो जाएगा, C3 C1 जीरो हो जाएगा, C4 C1 जीरो हो गया। तो D1 into 4 आपका रिजल्ट आया। अब जो भी इसका रिजल्ट आया ना उसको आप चार से भाग दे दोगे तो आपका डेटा मिल गया ना आपको। इस डेटा को मैं चार से भाग लगा दूं तो D1 मिल गया और C1 उसका डेटा रिसीव कर लेगा, उसका डेटा रिसीव हो जाएगा। भाई डेटा रिसीव हो गया नहीं हुआ? डेटा रिसीव हो गया। चलो स्टेशन टू से प्राप्त डेटा को चार से डिवाइड कर लिया और D1 को प्राप्त कर लिया आपने। तो इस तरीके से आप डेटा प्राप्त कर लेते हो। अब देखो ये कोडिंग की जो टेक्नोलॉजी क्या है, चिप क्या होती है इसके अंदर, वो देखते हैं। CDMA कोडिंग सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको पता चल गया। डेटा कैसे मिलता है ये भी आपको पता चल गया। इसमें प्रत्येक स्टेशन को एक कोड असाइन किया जाता है, हर स्टेशन को एक कोड देते हैं और ये नंबर है ना एक सीक्वेंस होती है और इस कोड को चिप कहते हैं। इस कोड को क्या कहते हैं? चिप कहते हैं। ये जो कोड है वो क्या कहलाएगा? चिप। तो ऐसी कई सारी चिप्स हो गई आपके पास। अब जो अपने एग्जांपल लिया उसमें अपने चार स्टेशन लिए थे, कितने लिए थे? चार। तो चारों के कोड कैसे बनाऊंगा वो देखो, कोड इसमें बना रखे हैं। इन चारों कोडों की विशेषता ये है कि इनमें से किसी को भी, इसको खुद, किसी भी कोड को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? चार। और अगर है ना इसको किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा जीरो। कैसे? मल्टीप्लाई करके देखो। यहां पे तो नहीं दिखा हुआ, वैसे आप देखो 1111, ठीक है, C1 में है 1111। इसको मैं 1111 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? पहले वाले से, दूसरे वाला से, तीसरे वाले से, चौथे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 1 into 1 plus 1 plus 1 plus 1, दैट इज 4। 4 होगा, 4 होगा ना। अब C2 को करो, C2 को C2 से करो, देखो +1 into +1 1 हो जाएगा, -1 into -1 +1 हो जाएगा, +1 into +1 +1 हो जाएगा और -1 into -1 +1 हो जाएगा। चारों को जोड़ोगे तो
चार आ जाएगा। चलो C3 इंटू C3 करके देखो, 1 into 1 1 1 into 1 1 -1 into 1 -1 +1 और -1 into -1 +1 तो कितना आया, 4 आ गया। इसी प्रकार से C4 भी 4 आ जाएगा। अब देखो अलग अलग को मल्टीप्लाई करके देखो, C1 और C2 को मल्टीप्लाई करो, C1 और C2 को मल्टीप्लाई करोगे देखो, फर्स्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 हुआ, इसका -1 आया, इसका +1 आया, इसका -1 आया, 2 + 1 है 2 - है, 0 हो जाएगा, 2 + के 2 - के 0 हो गया। अब चलो C1 को C3 से करके देखो, इसमें भी आपको ये प्लस का आ गया, ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया और ये माइनस का आ गया, 0 हो गया, 2 + के 2 - के किसी भी कोड को मल्टीप्लाई करो आप, देखो वो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है जो अपन ने दो प्रॉपर्टी कही थी ना, कि खुद से मल्टीप्लाई करे तो 4 आना चाहिए और दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो 0 आना चाहिए। अब इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो तो किया उसने कुछ नहीं है, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बना दिया, प्लस माइनस का ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया है जिससे कि डेटा, ये चारों कोड भी अलग अलग हो गए, देखो चारों कोड भी अलग अलग हो गए और वो दो प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई, जिससे कि मैं डेटा वापस जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेगा भाई, मल्टीप्लाई करके 4 से भाग लगा देगा तो डेटा आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके 4 से भाग लगा देगा। अब कोड का चयन बड़ी सावधानी से करना होता है, सावधानी से करना पड़ेगा। ये सीक्वेंसेस जो है ना ऑर्थोगोनल सीक्वेंसेस कहलाती है, क्या कहलाती है, कौन सी सीक्वेंसेस हैं, जोर से बोलो, ऑर्थोगोनल सीक्वेंसेस। ऑर्थोगोनल सीक्वेंस क्या होती है, प्रत्येक सीक्वेंस में n एलिमेंट्स होते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ स्टेशंस। अभी अपन ने पहले वाला एग्जांपल में 4 स्टेशन था तो मैंने कोड कैसा बताया, 4 में बताया था, 5 स्टेशन होते तो 5 का बनता, 6 होते तो 6 का बनता, समझ आई। अभी अपन ने कोड लिया वो कितने का लिया था, 4 का लिया ना, क्योंकि 4 स्टेशन लिए थे मैंने, एन नोड्स है तो एन एलिमेंट्स काम में लिए जाएंगे। यदि किसी सीक्वेंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सीक्वेंस के सभी एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करके देखा ना अपन ने, सीक्वेंस के सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब इसमें इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, इनर प्रोडक्ट का मतलब अंदर ही मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अंदर अंदर वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, करते हैं ना, इक्वल सीक्वेंस वाले नंबर को, दो इक्वल सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करें तो इनर एलिमेंट्स एलिमेंट बाई एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर एड हो जाते हैं और रिजल्ट एन आता है। अभी अपन ने निकाल के देखा भी था, है ना, दो अलग अलग सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करें तो इनर एलिमेंट्स एलिमेंट बाई एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर एड होते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है। ये भी अपन ने देख लिया भाई, उसमें 4 था इसलिए 4 रिजल्ट आया, 4 रिजल्ट क्यों आ रहा था, क्योंकि अपने स्टेशन 4 थे, कितने थे, 4। अगर अपने स्टेशन 10 होते तो कितने का भाग लगाते, डेटा प्राप्त करने के लिए 10 का भाग लगाते, समझ में आ गई। एन एलिमेंट्स है तो कितने का भाग लगाओगे, एन का, समझ में आई बात नहीं। चलो दो अलग दो सीक्वेंसेस को ऐड करने पर अन्य सीक्वेंस बनती है, अगर किसी भी दो सीक्वेंस को ऐड कर दोगे तो एक अलग ही सीक्वेंस, तीसरी सीक्वेंस बन जाएगी, ये भी एक इसकी विशेषता होती है। डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो है वो 0, +1 और -1 के रूप में लिखा जाता है। डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है CDMA टेक्नोलॉजी में, 0 मतलब आइडल, +1 मतलब डेटा बिट 1 है और -1 मतलब डेटा बिट है 0। आइडल मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी कुछ काम नहीं हो रहा है उसमें। सीक्वेंस जनरेट करने के लिए वॉल्स टेबल का यूज किया जाता है, कौन सी टेबल यूज की जाती है, वॉल्स टेबल। वॉल्स टेबल कैसे बनाते हैं अब वो देखते हैं अपन। वॉल्स टेबल बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले W1 बनाया, जैसे एक ही नोड के लिए बनाना है तो केवल +1 आ गया, और सेकेंड वाली स्टेप बनानी है तो ये तो आपका फर्स्ट वाला आ गया, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, तीन तो फर्स्ट वाले लिख दिए और ये इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डैश इसका उल्टा। जैसे एग्जांपल इधर देखो, ऊपर वाले में देखो +1 +1 +1 -1 है तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों में तो सेम कॉपी कर दिया, देखो तीनों में क्या कर दिया, सेम कॉपी कर दिया और इस वाले में उल्टा लिख दिया, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, दिख रहा है,
बात समझ में आई नहीं आई? WN, WN, WN और WN डैश, डैश मतलब उसका उल्टा, कॉम्प्लीमेंट। डैश मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये कोड आपने फर्स्ट लिया है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये दिन तीनों सेम हो जाएंगे और ये इसका ये हो जाएगा। समझ में आ गया? वाल्स कोड बनाना आ गया? इट्स ओवर।